श्री दुर्गा सप्तशती की आनंदमयी कथा इस प्रथम अध्याय से प्रारंभ होती है, जिसमें सांसारिक दुखों से चिंतित राजा सुरथ और समाधि नाम का वैश्य मेधा ऋषि की शरण में आते हैं और उत्सुकता से मां भगवती द्वारा की गई सांसारिक लीलाओं को सुनते हैं कि मां ने किस प्रकार धर्म की रक्षा हेतु जन्म लिया और काली, लक्ष्मी, सरस्वती व अन्य स्वरूपों को धारण कर दैत्यों का संहार किया, जिसको सुनकर दोनों प्राणियों का कल्याण हुआ और मोह माया से अलग हुए, फिर अपने शरीर को मां की इच्छा से कर्म और भक्ति में लगा पाए। आस पास यदि परिचित के घर जाऊंगा
दुख पर छाई है। बोला ये वे सपना परिचय में तुम्हें आज दे देता हूँ, मुझे समाधि कहते हैं क्यों दुखी हूँ मैं सच कहता हूँ। सच्चे मार्ग पे चलता हूँ फिर शाम में कभी नहीं करता, सब कुछ ईश ने मुझे दिया कुछ और कामना नहीं रखता। मेरी पत्नी सुख पा करके पैसों के पीछे है मित्रवर, बच्चे भी धन के बेरी बने कहते हैं कृपणता ने देकर। सब सुख वैभव मैंने छोड़े अब बुरी दशा का साया है, अंधकार में डूब गया मन सोच सोच पछताया है। राजा सुरथ ने धीरज दे अपनी भी कथा सुना डाली, डाकू ने राजपाट लूटा मैं आया यहाँ छुप कर खाली। कैसी है छवि कैसी है
देखा दोनों ने क्रोधित अपना रूप किया, सोचा कि इनको मारेंगे मुक्का फिर अपना आग किया। लगे घूरने ब्रह्मा की और ब्रह्मा देख के दुखी हुए, लेकिन जब विष्णु सभी जीव हर वातावरण को सहते हैं।
विष्णु के द्वारा मिटवाया, रक्षा की ब्रह्मा जी की यहाँ पहला अध्याय जो कहलाया। ऋषि राज ने फिर आश्रम में सुंदर कथा सुनाई है, महालक्ष्मी ने इस पृथ्वी की कैसे लाज बचाई है। महिषासुर एक दैत्य हुआ, कहते थे उसको बलशाली, छीन लिया इंद्र का आसन, देव भूमि कर दी खाली। दुखी देवता विनती करने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा उनको साथ मिले ऊंचे पर्वत कैलाश गए। शंकर जी के पास ले जाकर बोले संकट कैसे टले, फिर विष्णु के सम्मुख आए हो हताश सब हाथ मले। विष्णु जी ने दुख सुन करके क्रोध में दे सबसे बोले, आगे नहीं होगा अब अपमान। विष्णु मुख से निकला तेज, शंकर ने भी तेज दिया, ब्रह्मा और इंद्र देव ने दिव्य शक्ति को रूप दिया। जितने देव उपस्थित थे सबने ही शक्ति सबके तेज निरूप बदल, बोली थी शिव की जय जयकार। तेज रूप से नारी निकली, सबने सुख माना भारी, करने को कल्याण पृथ्वी का आई भवानी अवतारी। शिव के तेज से विष्णु के तेज से भुजा बनी, ब्रह्मा से चरण पूजन वाले। चंद्र तेज से स्तन बने और इंद्र तेज से मध्य भाग, वरुण तेज से जंघा पिंडली और पृथ्वी से नितंब भाग। बसों से उंगली हाथों की नासिका कुबेर से बने, प्रजापति तेज से अग्नि के तेज से नेत्र पलक, भौं है प्रगति संध्या से, वायु से उपजे अन्य बाण, अन्य देवों से गुप्त अंग अब कन्या भरने लगी पूछा। जितनी देवी शक्ति थी सबने दे डाला, मुस्काई अम्बा वरदानी, मन में थी क्रोध भरी ज्वाला। शंकर जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र थमाया था, अग्नि ने दी निर्भय शक्ति, वरुण शंख पकड़ाया था, वायु ने भेंट में धनुष बाण, और
उस पापी से कल्याण करो दुर्गा माई। उस देवी शक्तिशाली ने सिंह नाद किया ऐसा भारी, हाहाकार हुआ फिर पहना मान कवच कर तैयारी। महिषासुर को पता चला सेना को तुरंत बुला लाया, क्रोधित होकर सम्मुख बोला बुरा समय तेरा आया। उदग्र वीर छिछुर चामर सब टक्कर लेने आए वहां, असिलो मबाशकुल परवरित पकड़ के खींचूंगा। देवों ने अपनी शक्ति से एक देवी को था प्रगटाया, महिषासुर से युद्ध शुरू हुआ। दूसरा अध्याय जो कहलाया, सबसे पहले छिछुर आकर बाणों की वर्षा करने लगा, अज्ञानी था वो शक्ति से सम्मुख मां के लड़ने लगा। हाथी सिंघायल खुब हुए चामर को सिंह ने खाया था, महालक्ष्मी दूर भगाया था। जो वीर गिर मर मर के वह शक्ति को शीश झुकाते थे, माँ के हाथ से डरते थे, कुछ अभय दान पा जाते थे। बुरा लगा जब इस रण में महिषासुर सामने वीरों को चबा लेता। कभी सिंह बन छल कपट से असली रूप दिखाता था, बनी वीर गजराज रूप माया अपनी प्रगटाता था।
पापी को अब अंत समय है आने लगा। तीरों बाणों की वर्षा को वो सहन नहीं कर पाता था, इतनी शक्ति थी पापी में गिर गिर के उठ फिर जाता था। मां हंसती रही देख लीला ये पापी शक्ति पक्षी कहीं ना दिख पाए। योगिनियां भी मस्त हुई सोचा कि भोजन मिल जाए। धीरज देकर योगिनियों को मातनी फिर मुस्कान भरी। घुर्राने लगा सिंह राज फिर उसने भी तुरंत छाल भरी। शाली इतना था सिर पटक पटक कर लड़ता था, क्रोधित आंखें करके लाल गिर गिर कर आगे बढ़ता था। सरस्वती तलवार उठाई पापी का मस्तक काट दिया। महिष रूप और दुष्ट रूप दोनों को माने छाट दिया। शक्ति ने धर्म की रक्षा करी, सब देवों ने यश गाया है। महिषासुर राक्षस को मारा तीसरा अध्याय कहलाया है। भगवती के सम्मुख देवों ने अपने हृदय के भाव धरे। की है जगदम्बे जग की रक्षा पान करे। गुणगान कौन सी जिह्वा करे तेरा पार नाभ तक पाया है। स्त्री कुल में लज्जा बन कर अपना प्रभाव दर्शाया है। जो विद्या की इच्छा रखते बन विद्या रूप चलाती हो। शस्त्र धार के मीठा हो दुर्गम भव सागर में दुर्गा। विष्णु के हृदय में लक्ष्मी हो शिव की शक्ति उमा सुभगा। यश वैभव देने वाली संतान प्रदान करती हो। जो करता गुण गान सारे संकट हरती हो। सबने वचन माँ से मांगा हम जब भी तुम्हें बुलाएंगे। विनती सुनकर
सब कुछ वो कर पाएंगे जैसा आप करवाओगी। शक्तिशाली देव सभी बिन कृपा आपकी शक्ति ही मोह माया में फंस पाए करना दुर्गे ना भक्ति ही। राक्षस आकर हम सबको हर युग में रक्षक बन कर आते हो हम निर्भय हो जी पाते हैं। अवतार आप धारण करके विष्णु को प्रेरित करती हो शिव जी प्रलय करते हैं जब तांडव रूप में दिखती हो। मंदिर भाग्यशाली होता ज्योत आप सजती है। बर्ताव बुरा जो करते हैं उनका संहार भी करती हो कोमल हृदय में ज्योति जगा भक्तों का संकट हरती हो। कितनों को दे दी वीर गति और मृत्यु रोग पहुंचाया है मरे जो आपके हाथों से उसको भी स्वर्ग दिखाया है। जब घंट ध्वनि माँ होती है टंकार धनुष से करती हो त्रिशूल घुमा कर आती हो चंडी बन रण में विचरती हो। ओ भद्रकाली दुर्गेश्वरी हम महिमा कैसे बखान करें पार पाही सका माँ हम केवल गुणगान करें। धन और वैभव देने वाली कुबेर आपका भजन करे ब्रह्मा विष्णु और महेश इन शुभ चरणों में नमन करे। कल्याण हमारा करके माँ सुख चैन की वर्षा कर दर्शन से हम वंचित ना हो पाएंगे। सिंह सवारी आओगी माँ जब भी तुम्हें बुलाएंगे। प्रसन्न आपको किससे करे माँ सभी पदार्थ आप दिए हम तो बस वही करे अर्पण जो कुछ आपसे मात ली। अब क्षमा करो विश्वेश्वरी ये फैली आपकी माया है इस मोह माया में महामाया आपने हमें फंसाया है। इस अखंड विश्व की सब लीला माँ अपने आप चलाती हो सब कुछ आप करो आकर देवों को यश दिलवा। आशीर्वाद देकर माता फिर अपने पर्वत आई सब देवों में माँ दर्शन से लहर खुशी की थी छाई। राजा सुरथ और वैश्य भी माँ जगदम्बा को किया नमन। ऋषि राज से रोचक कथा सुनी जो दुखी था मन वो हुआ प्रसन्न। जो मन था दुखी हर्षाया महालक्ष्मी ने प्रस्थान किया। चौथा अध्याय कहलाया। ध्यान में रख चिंता त्यागो आगे की कथा सुनाता हूँ माँ सरस्वती।
सबने एकत्रित होकर फिर शक्ति माँ का दान किया। गिरिराज हिमाचल को ले विष्णु के पास में आए थे, सबने मिल महारानी की वीरता के ही गुण गाए थे। माँ भद्रा रौद्रा नित्या गौरी भूमरा देवी नमस्कार, निद्रा रूप है चेतन शक्ति स्मृति रूप है जगदाधा, उदंड दैत्य है शुंबन शुम्मातेश्वरी ने ललकारा है, दैत्यों का वध करना
कोई
शुभ का मुख बोरा है। अब चंड मुंड आए लड़ने, ये ही है छठा अध्याय। शुंभ किया गया को माना, चंड मुंड भी आए लड़ने को। सेना चतुरंगी संग लिए, अभिमान में लगे उछलने वो। देव को जाकर घेर लिया, आप शब्द बोलने लगे वहां। तुझे कदापि न छोड़ेंगे, छिप ना सकती सुंदर
चंड मुंड को मारा काली ने, चामुंडा नाम धराया। माँ सरस्वती की लीला का सातवा अध्याय कहलाया। जब चंड मुंड की खबर सुनी बीज लिए
की विजय हुई। ये आठवां है अध्याय। मिली सूचना मृत्यु की, शुंभ निशुंभ थोड़ा घबराए, बुद्धि उनकी भ्रमित हुई, शक्ति के रूप कौन समझाए। सेना को तैयार किया, बोली हम रण में जाएंगे, नारी को देखेंगे स्वयं पकड़ लिया भूसा।
चक्र घुमाया, अब शुंभ पड़ा है चिंता में। नौवा अध्याय कहलाया। देख शक्ति शिव दूती की, शुंभ भी अब थोड़ा घबराया। भाई की मृत्यु सुनकर करने संहार चला।
छाती में लाशों के ऊपर सुला दिया। घायल होकर फिर से संभला, त्रिशूल मार से रुला दिया। छोड़ा शरीर धीरे धीरे दुख सहन नहीं कर सकता था। श्वासों की गति धीमी पड़ गई, फिर भी वो गाने अबकता था। जब मर गया सब हुए मगर, सब देवी देवता हर्ष आए। माँ के सम्मुख सारे आए, शुभ गीत सबने गाए। नदियों में आई जलधारा, उपजा धरती पे अन्नदाना। आकाश में पक्षी उड़े, पशुओं ने खेत में सुख माना। अग्निशाला में जगी आग, देवों ने मंत्र गुंजाए थे। सबने चंडी महारानी की लीला को देख गुण गाए थे। इंद्र ने अग्नि के सम्मुख मां कात्यायन को पहचाना। मुख दम के जो कमल दर्शन करके ही सुख माना। था तांत्रिक माया धारी जो शुंभ अद्भुत रूप बनाया, जिसको मां कात्यायनी मारा। दसवाध्याय कहलाया। शरण आ गए सभी देव, मात कृपा का तुम रखना। पृथ्वी पर जागृत रहती हो, नव रूप दिखाती हो अपना। चर और अचर की अधीश्वरी, मोहित सबको कर देती हो। मूर्ति रूप में बस कर मां, कल्याणमयी बन जाती हो।
शाख मेरी ही कृपा से होने न देंगे कहीं हानि। अनधन शाख लुटाएंगे फिर उनसे पुण्य कराऊंगी, शाखों की सेवा से जग में मैं शाकंभर कहलाऊंगी। दुर्गम राक्षस मारूंगी दुर्गा का रूप दिखा करके, वेदों की वाणी लौटाऊंगी रखूंगी धर्म बचा करके। दैत्य हिमालय पर होंगे झटके से नीचे गिराऊंगी, मुनियों की रक्षा करने को भी मां देवी बन जाऊंगी। अरुण उसके अंग से
रक्षक बनकर आऊंगी मैं, देकर शुभ वरदान गई। दैत्यों के वंश मिटा करके पाताल की ओर उतार दिया, ममता सब पे बरसाही, दी क्षमा किया, कल्याण किया। हे राजन वैश्य सुनो, दोनों माँ कितने रूप दिखाती है, जब महाप्रलय होती महामाया बन छा जाती है। सनातनी देवी अम्बे माँ सरस्वती बन जाती है, विद्या शिक्षा देती सबको, बुद्धि का ज्ञान बढ़ाती है, वैभव सुख बरसाने वाली महालक्ष्मी है। सौ वर्षों
दुर्गा सप्तशती का जो 13वां अध्याय कहलाया।